सितारा। इंग्लिश में थोड़ा आप देश के नाम कुछ है। अंग्रेजी हम तो नहीं जानते। अरे उस दिन तो बहुत अच्छे से बोल रहे थे। कभी कभी मन में जाता है यार तो बोल देते हैं वैसे। भैया जी देश की खुशी यही है मेरा कहना। हर परिवार खुशी रहे थे ये देश के नाम। कोई किसी तरह का लड़ाई झगड़ा भाई लोग आपस में ना फिर मिल कर रहें यही मेरा देश के प्रति संदेश। जय हिंद जय हिंद। वास्तु देश का नाम। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल बी स्मार्ट में। और आज हम आपको दिखाएंगे कि कत्की का मेला किस प्रकार से यहाँ पर कानपुर में लगता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना बड़ा जमावड़ा लगा हुआ है, यहाँ पर लोगों की कितनी भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर हम लोग जो है नाव में बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये दूसरा हिस्सा है और ये है दूसरा हिस्सा। यहाँ पर मेला लगता है, यहाँ से लोग जाते हैं, वहाँ पर सामान वगैरह सब कुछ ले जाते हैं, वहाँ पर जो है खाना पीना सब कुछ खाते पीते हैं, गंगा जी का स्नान करते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी मात्रा में भीड़ एकत्रित है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कहाँ तक जो है नाव लगी हुई हैं। आप ये देखिए कानपुर में कौन सा मेला, कत्की का मेला है। और आप देख सकते हैं भीड़ देखिए आप। थोड़ा मैं आपको जूम करा के देख सकता हूँ। अब इधर ज़्यादा नहीं है जो कहा हो रहा है। अब कब होएगा यहाँ पे आप? बस खाली साल में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बी स्मार्ट यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कानपुर में जो कत्की का मेला लगता है वो किस प्रकार से लगता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बड़ी मात्रा में भीड़ लगी हुई लोगों की। ये है गंगा का दूसरा किनारा और वो है घाट, जिसे बोलते हैं सरसैया घाट। और सरसैया घाट में जो है काफ़ी लोगों की भीड़ लगी हुई है। आप देख सकते हैं अगर मैं जूम करके दिखाऊँ आपको, अगर दिखे तो वहाँ पर काफ़ी भीड़ है। तो वहाँ से लोग नाव से चढ़कर इस पार आते हैं और जो है यहाँ पर घर से जो है खाना वगैरह जो है बना कर लाते हैं और यहाँ पर खाना पीना अपना खाते हैं। इस बार मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पर आकर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ी मात्रा में यहाँ पर भीड़ लगती है। हम लोग ने स्नान वगैरह सब कुछ कर लिया है, गंगा जल ले लिया है और अब हम लोग यहाँ से जो है जा रहे हैं उस पार। तो अभी हम लोग नाव को बुलाएंगे और नाव में जो है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी भीड़ लगी हुई है, लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। यहाँ पर सारी नावें जो है आप देख सकते हैं। ये क्या कर रहा है ये? तो ये चलता है यहाँ पे। यार वो वाली देखो कहाँ चला गया वो। यहाँ पर काफ़ी नाव लगी हुई हैं। यहाँ पर वो पार जो है हम लोग अभी गए हुए थे, वहाँ पर हम लोग ने जो है पूरा देख सकते हैं मेले का पूरा आयोजन यहाँ पर हो रखा है। कई नावें उस पट्टी पे हैं और हम लोग अब इस नाव में बैठ के जा रहे हैं उस पार। और ये है वो घाट जिसका नाम है सरसैया घाट। जैसा कि आप देख सकते हैं वहाँ पर सरसैया घाट है। ये सरसैया घाट काफ़ी साल पुराना है और यहाँ पर काफ़ी मात्रा में लोगों की भीड़ एकत्रित आप देख सकते हैं। उस पार आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ जो है लोगों की एकत्रित है। कुछ लोग वहाँ पर हैं, कुछ लोग वहाँ पर हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये था दोस्तों, ये देखिए लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने आते हैं। और ये है वो नाव आप देख सकते हैं। और देव तो दोस्तों ये है कार्तिक पूर्णिमा का मेला और जिसे कत्की का मेला भी बोलते हैं आम भाषा में। और यहाँ पर शाम को जो है काफ़ी दिए जलाए जाएंगे और यहाँ पर शाम को बहुत ही अच्छा दृश्य देखने को मिलेगा आप लोगों को। हम कोशिश करेंगे वो दृश्य आपको दिखाने की, लेकिन
अब वो दृश्य मिलेगा आपको शाम को देखने को। तो इस समय जो यहाँ का दृश्य आप देख सकते हैं कितना अच्छा माहौल है, यहाँ पर लोग जो है काफ़ी मात्रा में एकत्रित हैं। ये है सरसैया घाट और यहाँ पर ये है सीढ़ी। दोस्तों जब सावन का महीना होता है तो ये पानी जो है उस लेवल में पहुँच जाता है जहाँ पर आप देख सकते हैं सरसैया घाट लिखा हुआ है। सीढ़ी के सबसे ऊपर वाली सीढ़ी तक जो है पानी पहुँच जाता है यहाँ पर। और दोस्तों की जैसा कि आप देख सकते हैं ये भीड़ आप देखिए कितनी बड़ी मात्रा में भीड़ लगी हुई है। आज ये साल में एक बार कच्ची का मेला लगता है और यहाँ पर लोगों का काफ़ी बड़ी मात्रा में जमावड़ा लगा हुआ है। तो ये था दोस्तों आज का ब्लॉग। इस ब्लॉग में हमने को आपको जो है पूरी कोशिश करी जो है सरसैया घाट के ऊपर कुछ भी वीडियो बनाने की। और आपको जो है कार्तिक आप देख सकते हैं इस बच्चे को किस तरीके से यहाँ पर जो है तो दोस्तों की ठीक। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी मात्रा में भीड़ लगी हुई, कितना अच्छा नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये है वो एरिया जहाँ पर जो है गंगा नदी जो है सूखी है और वहाँ पर लोग जो है एकत्रित हैं, आप देख सकते हैं। और कुछ भाग वो है जहाँ पर लोग एकत्रित हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी मात्रा में लोगों की भीड़ लगी हुई है। और ये है कत्की का मेला, कानपुर का काफ़ी बहुत ही जाना माना मेला जिसको बोलते हैं। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं बाहर और देखिए यहाँ पर कितना अच्छा नज़ारा है। हम जो है सीढ़ियों के ऊपर आ चुके हैं और ये देखिए ये है मंदिर, काफ़ी पुराने मंदिर यहाँ पर हैं और आपको हम दर्शन कराते हैं भोलेनाथ जी का, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी मात्रा में भीड़ लगी हुई है और ये है स्टैंड, यहाँ पर लोग जो है अपनी गाड़ियाँ लाकर लगाते हैं। और कितना अच्छा नज़ारा है ये। ये है मंदिर का बाहरी भाग जहाँ पर ये है प्रवेश द्वार, यहाँ से लोगों की भीड़ जो है यहाँ प्रवेश कर रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी मार्केट लगी हुई है, अगर पूरा मेले का आयोजन यहाँ पर हो रखा है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपट आपने कई सालों बाद हम आपको दिखा रहे हैं, आपके यहाँ पर कंपट जो है बिक रहे हैं और ये कंपट आज से करीबन 10 साल पहले जो है आपको खुले मार्केट में मिला करते थे, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कितने बड़े मेले का आयोजन है और लोगों की काफ़ी मात्रा में बहुत बड़ी भीड़ यहाँ पर एकत्रित है। और ये है मेले का आयोजन दोस्तों यहाँ पर किया गया है और काफ़ी बड़ी मात्रा में लोगों की भीड़ यहाँ पर एकत्रित है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मेले का आयोजन किया गया है और यहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में लोगों की भीड़ एकत्रित है। हाँ इंग्लिश में थोड़ा, आप देश के नाम कुछ जो है अंग्रेजी हम तो नहीं जानते। अरे उस दिन तो बहुत अच्छे से बोल रहे थे, कभी कभी मन में क्या बोल देते हैं वैसे भैया जी। यही है मेरा कहना, हर परिवार खुशी रहे थे, ये देश के नाम कोई किसी तरह का लड़ाई झगड़ा भाई लोग आपस में ना फिर मिल कर रहें, यही मेरा देश के लिए संगीत। जय हिंद, जय हिंद, देश का नाम। नाइस टू मीट यू।